मुझे मेरा रिजल्ट डे याद आ रहा है, मतलब आई रियली फील दैट वे. मैं मेमोरी लेन में वापस लेकर जा रहा हूँ आपको. आई एम टेकिंग यू बैक इन द मेमोरी लेन. जब मेरा पहला रिजल्ट था सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का, और ऑब्वियसली गूस बम्प्स, तीन पेपर अच्छे हुए थे और मुझे मालूम था कि तीन पेपर्स में तो 60 60 60 आ जाएंगे. और एक पेपर जो कंपनी अकाउंट्स का पेपर था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, 12th क्लास तक तो मैंने वो चूहे काटे थे और रैट डाइसेक्शन किया था, तो डेबिट क्रेडिट कभी समझ में आता नहीं था. तो फिर हुआ क्या कि वो जब एक एक पेपर का मालूम था कंपनी अकाउंट्स का, बस मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 38 39 आने चाहिए थे और 40 नहीं बन रहे थे. मतलब मेरे को खुद को ही एक्सपेक्टेड था कि 38 39 बन रहे हैं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से. वन वन थिंग आई लाइक टू शेयर, मतलब जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट था, सुबह सुबह 5 बजे ना सपना आया कि मैं फेल हूं. अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, सुबह 5 बजे सपना आता है कि मैं फेल हूं. और सामने मैंने अपनी विंडो खोली, वेल अपने रूम की विंडो, मेरा अपना पर्सनल रूम जैसे घर में अलग था, तो विंडो खोली तो सामने सूरज देवता उग रहे हैं और सुबह सुबह सूरज के दर्शन हो रहे हैं. मैंने कहा अभी सपना आया. और सपने में क्या आया कि वो जो बड़ा सा वुडन बोर्ड लगता है, उस जमाने में लगता था जिसपे रिजल्ट, अब ऑनलाइन तो होता नहीं था, तो उसमें क्या था कि मेरा रोल नंबर भी है और दिख रहा है रोल नंबर, और सामने दिख रहा है कि आई हैव गॉट 187 आउट ऑफ 400, आई एम फेलियर बाय 13 मार्क्स. जबकि जो रूल है आईसीएसआई का, उस जमाने में जो रूल था कि जो फेल है तो उसका रोल नंबर होगा ही नहीं और मार्क्स तो दिखेगी भी नहीं. लेकिन मैंने तो सपने में रोल नंबर भी देखा, सामने फेल लिखा हुआ भी देखा, और उसके सामने देखा 187 आउट ऑफ 400 मार्क्स. तो 200 नहीं बने, 50% नहीं हुआ, तो फेल है. और मैं बैठकर कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितने शॉट रह गए, तो मैं सोच रहा हूँ 13 नंबर शॉट रह गए आउट ऑफ 200. वेल 13 नंबर शॉट रह गए और अनलकी नंबर एंड ऑल दैट. मतलब सुबह सुबह ही पसीने पसीने, हालत खराब. तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था भी सही ना कि शायद पास हो जाऊंगा, तो अंदर से ना रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये हुआ क्या है मेरे साथ. और सुबह सुबह नहा रहा हूँ धो रहा हूँ, उतने में मामा जी का फोन आ जाता है, बेटा आज रिजल्ट आ रहा है. सुबह 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 7 बजे, मॉर्निंग 7 o'clock, मामा जी का फोन आ जाता है, रिजल्ट आ रहा है. मैंने कहा जी शाम को 4 बजे आ रहा है. मतलब और उस जमाने में ना लैंडलाइन होते थे अपने, और ये सेल फोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन होते थे. तो मैंने कहा जी शाम को 4 बजे आ रहा है. अच्छा बेटा फिर शाम को फोन करके जरूर बताना क्या हुआ. मैंने कहा मैं नहीं करूंगा तो आप ही कर लोगे, 5 6 बजे तक तो आप ही कहाँ जाए. तो मतलब आई एम रियली एट टाइम सरप्राइज. कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं जो बर्थडे तक पे तो फोन करते नहीं, विश तो करते नहीं, लेकिन 25 फरवरी और 25 अगस्त को जरूर फोन आता है और पूछने के लिए. अभी तो व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप बने हुए हैं, बड़ी दिक्कत होती है आजकल तो व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में ही. और रिजल्ट आ रहा है, जिसको नहीं भी पता हो ना, आसपास दो चार को सबको पता चल जाएगी आज रिजल्ट आ रहा है. दिल की धड़कनें तेज, बेचैनी इतनी ज्यादा, रुका नहीं जा रहा था घर में. सुबह 7 साढ़े 7 बजे नहाकर निकलता हूँ घर से. कहाँ जा रहा हूँ, मम्मी को बोलती हूँ लाइब्रेरी जा रहा हूँ मैं, वही प्रसाद नगर लाइब्रेरी जा रहा हूँ और वहीं बैठकर फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करूंगा. और अगले ग्रुप की ना तैयारियां शुरू कर दी थी, चल रही थी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन उस दिन तो बेचैनी इतनी थी, अब बैग हाथ में और जाए कहाँ, बंगला साहब गुरुद्वारे. तो घर से निकले तो कहाँ, अब घर वालों को तो नहीं बताया कहाँ पहुंच गया, बंगला साहब गुरुद्वारे जाकर बैठ गया 1 1.5 घंटा. फिर वहां पर बेचैनी बड़ी ज्यादा, अकेला हूं, कोई दोस्त नहीं है साथ में, कोई मतलब ऐसा होता ना एक कंधा चाहिए होता है सर रख कर रोने के लिए, और भाई तू अपना सर मेरे कंधे पे रख. मैं तो मतलब बड़ी बेचैनी हद से ज्यादा. शाम को 4 बजे रिजल्ट आना है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, दिन कट नहीं रहा. और उसके बाद फिर क्या होता है, देन आई केम टू प्रसाद नगर. तो प्रसाद नगर में जहाँ इंस्टीट्यूट है साथ में, वो बड़ी सी लेक बनी हुई है जहाँ पर वो बोटिंग होती है और डक्स वगैरह घूम रही हैं. तो उस वहाँ लेक के साथ भी एक छोटा सा गुरुद्वारा बना हुआ था, उस गुरुद्वारे में आकर बैठ गया. अब फ्रेंड्स भी मिल गए वहां पर, मैंने कहा चलो सारे इकट्ठे बैठे हैं ना गुरुद्वारे के अंदर, तो बाबा जी हे बाबा जी बचा लेना आज. और फिर मालूम है उस दिन, मालूम है क्या याद आ रहा है रिजल्ट वाले दिन, उस दिन वहां बैठकर, ओहो सो एंड सो पेपर में ना, सो एंड सो सब्जेक्ट में वो 4 नंबर वाला क्वेश्चन तो गलत हो गया. ओहो जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 200 बन रहे हैं ना, उसमें से दो तीन तो ये कट गए. तो जो लाइन पे कैलकुलेशन आ रही है उसमें से जब झटका लगता है ना, ओहो ये वाला, और उसी दिन याद आता है. मतलब पता नहीं क्या होता है कि सो एंड सो पेपर में सो एंड सो क्वेश्चन गलत हुआ था, वो 6 नंबर वाला या 7 नंबर वाला क्वेश्चन गलत हुआ. और हालत और खराब, बहुत बुरी हालत. शाम को 4 बजे रिजल्ट, 3:30 बजे गुरुद्वारे से बाहर निकला, 3:30 PM, 4 PM रिजल्ट था, आधा घंटा पहले निकला. और वो जो प्रसाद नगर में रोड बनी होती है वहां आगे, मतलब गुरुद्वारे से लेकर इंस्टीट्यूट तक की रोड है, वहां पर घूम रहे हैं सब लोग और मैं नहीं.
500 बच्चे ऑलमोस्ट वहां पर घूम रहे हैं सड़क के ऊपर, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। अब जाने का भी मतलब कहीं स्कोप नहीं है, रिजल्ट तो यहीं आना है, कहीं और जाने का भी मन नहीं कर रहा। और बीच में क्या हो रहा है पता नहीं, वो बैलून वाला कोई आ गया बैलून बेचने के लिए, उसको भी लगा यहाँ पर इतनी भीड़ है मैं अपने गुब्बारे बेच लूं। तो बच्चे भी गुब्बारे खरीद खरीद के ना गुस्से में फोड़ रहे हैं, लात गुब्बारे दे और फोड़े जा रहे हैं। तो एक दूसरे को समझा रहे हैं भाई मत फोड़, अपने ही पैसे का नुकसान कर रहा है, अभी रिजल्ट तो आने दे उसके बाद फोड़ेंगे, मतलब जो भी है खुशी में दुख में। और वो पीपनी बजा रहे हैं, हमारी पीपनी बजी हुई, मतलब तो बहुत बुरी हालत। 4 बजे डॉट रिजल्ट आता है, भीड़ मालूम है कितनी, 3000 से 4000 बच्चे, 3000 से 4000 बच्चे उस सड़क के ऊपर खुले में सब पहुंचे हुए हैं रिजल्ट देखने के लिए, जाएंगे रिजल्ट देखेंगे। और ये इतना बड़ा बोर्ड वो इंस्टीट्यूट ने टांग दिया सामने, और ग्रिल के ऊपर लगा देते थे, बांध देते थे ग्रिल के ऊपर, तो सारे बच्चे ना ऊपर चढ़ जाते थे, वहां पर पैर रखने के लिए थोड़ी सी जगह होती थी ग्रिल के ऊपर, और ऊपर एक ऊपर वाली ग्रिल पकड़ ली हाथ से और नीचे वाली ग्रिल के ऊपर पैर रख लिया और ऐसे लटके हुए हैं, वो मेरा रिजल्ट कहाँ है, मेरा रिजल्ट कहाँ है। तो मेरा ग्रुप था फ्रेंड्स का, और फ्रेंड्स या सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो भी कह लो, 11 हम 12 लोग थे वेल पूरे के पूरे फ्रेंड सर्कल में, और एक साथ बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ना और पढ़ाई करना। एग्जाम से पहले वाले 2 महीने तो बहुत जमकर दिन रात 22 घंटे पढ़ाई हो रही है, या 22 घंटे नहीं तो 16 घंटे से 18 घंटे पढ़ाई तो पर डे चली रही थी, बहुत बुरी मतलब हाई लेवल पढ़ाई चल रही थी एग्जाम से पहले वाले 2 महीने। लेकिन अब होता क्या है, एक के बाद एक, अच्छा अब हमारा पूरा ग्रुप जब वहां है तो एक लड़का जो थोड़ा सा बॉडी बिल्डर था, जिम जाता था, वो ना चढ़ गया आगे भीड़ के अंदर, धक्का वक्का मार के ऊपर चढ़ गया और ऊपर जाकर ग्रिल पकड़ लिया, और सबसे पूछ रहा भाई अपना रोल नंबर बता मैं चेक करके बताता हूँ। तो पहले सबसे पहले उसने अपना चेक किया खुद का, हमने पूछा क्या हुआ, कहता फेल। हमने कहा बदतमीज, पहला पहला लड़का चढ़ा ग्रुप में से ऊपर और कह रहा है फेल, और चिल्लाकर बोल रहा है फेल। मैंने कहा पता नहीं भाई क्या ऐसा क्या हो गया, चिल्लाकर बोल रहा है मैं फेल हो गया। तो फिर दूसरे ने अपना नंबर दिया, उसको भी कहता तू भी फेल। ओ भाई अब लाइन लगाकर 5-6 तो फेल हो गए, और उनमें से मतलब बाकी जो खड़े थे ना, अब उनका मॉरल डाउन, उनके रोंगटे खड़े होने शुरू, और मैं तो सुबह ही सपना देख चुका था कि मैं फेल हूं। तो मैंने तो सुबह ही ऑलरेडी मतलब अब तो सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए आया हुआ था। नाउ व्हाट हैपेंड कि एक के बाद एक सब लोग रोल नंबर बता रहे हैं, और बीच में जो नहीं बता रहे हैं ना वो भी भीड़ में घुस रहे हैं, और हालत ऐसी कि बीच में जगह बना बना कर ना धक्के देकर, वो 3000 स्टूडेंट्स के बीच में धक्का देना भी टफ था। अंदर जो घुस गया है वो बाहर नहीं आना चाहता, जो फेल भी हो गया ना वो भी वहीं चिपक के खड़ा है, वो बाहर नहीं आना चाहता कि शायद दोबारा देखूंगा तो शायद रोल नंबर दिख जाए, दोबारा देखने में रोल नंबर दिख जाए, वो भी बाहर नहीं आना चाहता। जो पास होते जा रहे हैं वो तो फिर भी बाहर निकल रहे हैं देख देख कर, लेकिन जो फेल हो रहे हैं वो रिजल्ट ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब मेरा पूरे ग्रुप में ना सब लोग, कोई अपना खुद का देख आया, किसी ने एक दूसरे का देखा, मैं मेरे अंदर ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मतलब ऑलरेडी मैं लास्ट था पूरे ग्रुप में, डरपोक था जो भी था। और लास्ट में जब सब लोग मतलब हो गया ना कि भीड़ छट रही है, अब भीड़ छट रही है, अब तमाशा कम बनेगा, अब जब रोऊंगा तो कम लोग देखेंगे, तब वो जब भीड़ छट गई तब मैंने कहा अब शांति से जाकर देखता हूँ, एंड आई सॉ माई रोल नंबर। तो इट वॉज लाइक वाह। फिर एक बॉल पेन निकाला रेड कलर का, और उस रोल नंबर के ऊपर ये रहा मेरा रोल नंबर, सर्कल बनाया उसके ऊपर आराम से खड़े होकर, था आई एम पास। उसके बाद साथ में मेरा एक फ्रेंड था बलजीत, उसको बोला कि भाई चल सब अब मिठाई खाएंगे, तो सब लोग कौन मिठाई खाएगा, यहाँ तो रोए जा रहे हैं। फिर वो लड़का थोड़ा सा ज्यादा क्लोज था, तो उसने कहा हाँ चल मिठाई लेकर आते हैं। तो देन वी वेंट डाउन टू, वहां आसपास कोई स्वीट शॉप नहीं थी, 3 किलोमीटर दूर थी, देवनगर खालसा कॉलेज, खालसा इवनिंग कॉलेज साथ में रेड लाइट के ऊपर अग्रवाल स्वीट्स, तो वहां गए, और उसके पास बाइक थी, मेरे पास नहीं होती थी, तो उसके पीछे बैठ कर गया और वहां मिठाई का डब्बा ले रहा हूँ, और मिठाई का डब्बा लेकर वापस आता हूँ, और फिर कन्फ्यूजन, रोल नंबर मेरा ही था ना, एक डिजिट कहीं गलत तो नहीं थी। और फिर वापस आता हूँ और वापस आकर फिर से वेरीफाई, 3 किलोमीटर वापस आकर वेरीफाई करता हूँ कि हाँ भाई रोल नंबर मेरा, ऐसा ना हो कि मिठाई खिला दूँ और पास नहीं था। उतने में फिर वो हाथ में सेलफोन नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं था, तो एक लोकल वो साइड पे ना पीसीओ टंगे होते थे, पीसीओ टंगे होते तो वो कॉइन डालो 1 रुपए का और कॉल करो, तो घर पे बताया कि पास हो गया पप्पू, एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। फिर तो मामा जी नानी हर जगह फैल गई कहानी, हर जगह फैल गई। तो दैट वॉज लाइक कि पहला रिजल्ट, और उस दिन जन्माष्टमी का दिन था जिस दिन रिजल्ट आया था, दैट वॉज अ डे ऑफ जन्माष्टमी, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। उस दिन जो मैंने कपड़े पहन रखे थे वो संभाल के रख लिए कि अगली बार रिजल्ट देखूंगा ना यही वाले कपड़े पहन के देखूंगा,
अब वो वही शर्ट वही ट्राउजर, अगली बार रिजल्ट आया तो महाशिवरात्रि का दिन था, एक बार रिजल्ट आया 25 अगस्त को तो इट वॉज जन्माष्टमी, अगला रिजल्ट आया 25 फरवरी को महाशिवरात्रि, वही कपड़े पहन के देखा फिर से पास। मैंने कहा ये कपड़ों का जादू है, मतलब अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं हो रहा कपड़ों पे, वो जिंक्स बना लिया। हम लोग ना अजीब अजीब उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा ये वाले कपड़े देखकर रिजल्ट पास हुआ था, मतलब ये वाले कपड़े पहन कर तो अगली बार भी ये वाले कपड़े पहनने हैं। अब नहीं है वो कपड़े मेरे पास, कपड़े उधार कहां से दे दूं, मतलब अब नहीं है वो वाले। बट आई विल से रिजल्ट से पहले ना वो जो डर होता है ना अंदर, रिजल्ट से पहले वो जो डर होता है, एक तो उन लोगों को डर होता है जिनका मालूम होता है दो पेपर अच्छे हुए, तीन पेपर अच्छे हुए, एक पेपर हिला हुआ है, और एक पेपर में 40 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक तो वो लोग डर रहे होते हैं अंदर से, दूसरा वो लोग डर रहे होते हैं जिनके जिनके चारों पेपर बड़े अच्छे हुए हैं ना, जिनको मालूम है 70 70 70 70 आएंगे, वो भी डर रहे होते हैं हे भगवान कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ICSI का क्या पता, वो भी डर रहे होते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का उनको भी होता है। मालूम है कौन लोग नहीं डर रहे होते बिल्कुल, जिनको पहले ही पता है किसी भी पेपर में 25 भी नहीं आने अपना, तो अब उनको सिर्फ एक ही टेंशन होती है मम्मी पापा को क्या शक्ल दिखाएंगे, उनको सिर्फ एक ही टेंशन होती है मम्मी पापा को क्या शक्ल दिखाएंगे। और ऑलरेडी मालूम है खूब मस्ती मारी थी और मार्कशीट में कुछ नजर आने वाला है नहीं, वो अब भेद खुलने वाला है। अदरवाइज मैं कहूंगा जिसके बहुत अच्छे पेपर भी हुए हैं उसको भी अंदर से अच्छा, उसको कईयों को ये भी डर होता है कि वो मेरिट आएगी या नहीं आएगी, 60 आएगा या नहीं आएगा, हर तरीके का अलग अलग डर है, हर तरीके, मतलब डरना अच्छी बात है मैं बोलता हूँ। और रिजल्ट से पहले तो भगवान को प्रे कर रहे होते हैं कि हे भगवान इस बार पास करवा दे, अगली बार ना शुरू से ईमानदारी से पढ़ेंगे, होता है हे भगवान इस बार तो पास करवा दे, अगली बार पूरा एक दिन भी वेस्ट नहीं करेंगे भगवान, एक दिन भी नहीं, आप तो आधा दिन भी वेस्ट नहीं करेंगे भगवान, इस बार तुम पास करवा दो। और उसके बाद वो ना जोश रहेगा एक दिन दो दिन, भगवान से प्रॉमिस किया भगवान ने पास करवा दिया, उसके बाद फिर वही घूम फिर कर वहीं के वहीं है, फिर अगले रिजल्ट पे हे भगवान ने पास करवा दे। तो वो अंदर से हमारी ना, मुझे कई बार लगता है कि हमें ना बुक्स लिखनी चाहिए इसके ऊपर, बिफोर एग्जाम आफ्टर एग्जाम, बिफोर रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट, क्या फिलॉसफी बनती है जिंदगी में हमारी। और आप सब लोगों के लिए सिर्फ इतना बोलूंगा ऑल दी बेस्ट, जमे रहो, थोड़ा थोड़ा डरना अच्छा होता है, डरते रहो डरते रहो। देखो इट्स ऑल इन द फैमिली, मैं भी उसी उसमें से निकला हूँ, मैं भी उसी में से निकला हूँ, और एक के बाद एक जब रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे थे तब भी बड़ा अच्छा लगा, प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहुंचा तो फेल भी हुआ, और प्रोफेशनल प्रोग्राम का आखिरी ग्रुप था ग्रुप 2, तो बहुत उम्मीदें थी पास होऊंगा, बहुत मेहनत की थी। एक बार तो तैयारियां कुछ इस टाइप की थी कि मालूम था कि मैं रमैया पढ़ रहा हूँ 14,000 पेजेस, तो सिर्फ कंपनी लॉ की तैयारी कर रहा हूँ, बाकी पेपर्स की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें फेल होना ही है, वो तो एक बार तो डेलिबरेट भी था, दैट वाज प्रोफेशनल प्रोग्राम ग्रुप 2 में पहुंचने के बाद। और फिर उसके बाद तब दो ग्रुप्स होते थे प्रोफेशनल प्रोग्राम में, उस जमाने में तो CS फाइनल कहते थे। उसके बाद अगली बार जब पूरा दम भी लगाया था ना पास होने के लिए कि पास होना है पास होना है पास होना है, और चारों पेपर के लिए बहुत मेहनत की, और फिर 193 आए आउट ऑफ वेल 400, और फिर वो जो फेल हुआ ना तब बड़ा शैटर हुआ कि यार एवरीथिंग वॉज परफेक्ट फ्रॉम माई साइड, मैंने तो चारों आंसर शीट्स बहुत अच्छी लिखी थी और चारों पेपर्स मेरे बेबी पेपर्स हैं, मतलब ऐसे मेरी ग्रिप में हैं चारों पेपर्स, फिर क्यों कमाए। और लिख कर भी तो अच्छा आया था, मतलब अपनी तरफ से बेस्ट लिख कर आया था, इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, फिर 193 क्यों आए। फिर दिल को समझाया यार कोई बात नहीं, ICS आए है, ICS आया है, इस बार नहीं तो अगली बार, लगे रहो, डोंट क्विट नेवर क्विट, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। तो वो एक जिंदगी का वो एक मुकाम ऐसा था जहां बहुत ज्यादा था। और अगली बार फाइनली जब CS प्रोफेशनल प्रोग्राम का फिर से ग्रुप 2 दिया था मैंने थर्ड टाइम, मतलब क्योंकि पहले वाले सारे ग्रुप्स तो स्मूथ एकदम फर्स्ट शॉट फर्स्ट शॉट फर्स्ट शॉट जा रहे थे, जब प्रोफेशनल प्रोग्राम ग्रुप 2 दिया था ना थर्ड टाइम दिया था वो, और तब ना मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं रिजल्ट देखने के लिए जाऊं। और उससे पहले ना मैं ऑलरेडी वेल अकेडमिक्स में आ चुका था, टीचिंग में आ चुका था, एंड आई वॉज ऑलरेडी टेकिंग माई बैचेस। CS प्रोफेशनल प्रोग्राम को कंपनी लॉ पढ़ाता था, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को कंपनी लॉ पढ़ाता था, और मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे हैं सर कल आपका रिजल्ट आ रहा है, और मैं उनको कह रहा हूँ बदतमीज हो, तुम्हें तो नहीं बताऊंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इट वॉज लाइक कि बताऊंगा कैसे, नहीं बताना था ही, लेकिन हालत बड़ी खराब थी। और रिजल्ट वाले दिन शाम को 4 बजे वही रिजल्ट था, और मैं सुबह अपना क्लास में जा रहा हूँ क्लास लेने के लिए, और फादर को बोल दिया मैंने कहा आज आज मेरे में हिम्मत है नहीं आज रिजल्ट देखने की, आई कैन नॉट गो एंड सी माई रिजल्ट,
ऑनलाइन होता नहीं था, तो फादर टोल्ड मी कि तू चिंता नहीं कर, आई विल गो एंड सी योर रिजल्ट एंड आई हैव पॉजिटिव फील कि तू इस बार पास होगा। बहुत बारिश थी उस दिन, इट वॉज हैवीली हैवीली रेनिंग। तो माई फादर लेटर ऑन टोल्ड मी कि मैं अम्ब्रेला लेकर गया एंड आई डिडेंट गेट एनी ऑटो और बस दैट डे। समहाउ अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू वॉक 3 किलोमीटर्स इन रेन। वेल ही वॉक्ड, मतलब आखिरी का 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था घर से एक स्पॉट तक पहुंच के, उस जमाने में वो डीटीसी बसेस पे ट्रेवल करना पड़ता था, तो उनको प्रॉपर डीटीसी बस वहां तक मिल नहीं रही थी। एंड ही वॉज केयरिंग द अम्ब्रेला, ही वॉक्ड इन द रेन, ही सॉ माई रिजल्ट, आई वॉज पास एंड माई फाइनल रिजल्ट वॉज सीन बाय माई फादर, नॉट बाय मी। एंड लेटर ऑन फिर उन्होंने आधे घंटे बाद मुझे, तब तक मेरे हाथ में सेलफोन था, देन आई हैड द सेलफोन व्हेन आई वाज टीचिंग एंड ऑल दैट, देन ही कॉल्ड मी अप। वेल, और जैसे उनका रिंग आया तो दिल की धड़कनें तेज, पास या फेल तो हालत खराब। फिर जब उन्होंने बताया पप्पू पास हो गया, तो फिर मैंने क्लास में जहाँ खड़ा था वहाँ मिठाई खिलाई, मिठाई बांटी कि चलो अब फाइनली सीएस क्वालिफाई हो गया, सीएस बन गया।